करने वाला हूँ। जिस प्रकार दुर्गम एक हमला हुआ था, तीन साधुओं के ऊपर हमला किया गया था, वैसा ही पिथौरा थाना अंतर्गत अरन में भी मामला सामने आया है। 3 अक्टूबर को एक अरन गांव में एक वीडियो आता है जिसमें दो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पीटा जाता है, लेकिन 10 दिनों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, उसके लिए हम थाना प्रभारी से ही बात करेंगे और जो आरोपी पक्ष है और जो प्रार्थी पक्ष है उनसे बात करेंगे, कारण क्या है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। पिथौरा से एक वीडियो सामने आता है जिसमें बुजुर्ग और बुजुर्ग पति महिला को काफ़ी लोग मारते हुए दिखते हैं। बुजुर्ग हमारे साथ हैं, क्या कुछ हुआ था उस दिन, इन सब बातों को जानेंगे, बुजुर्गों से बात करेंगे क्या कुछ हुआ था जिसके कारण मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। हमारे यहाँ सगा है ऋषि का उदयपुर मेमरा से मतलब कि आहू जी सगा हो एक आध दिन कम से कम उसका धूरत हो डेढ़ साल है मोर साल हुए मोर सरहद बहन नहीं आई से मोर सब कोई आ रही नहीं तो मैं कहीं को रात रही गया हो जी। अब मैं यहाँ लाइन में जुड़ गया हूँ भैया तो मोर लड़का ला भी जोड़वा हूँ छोटी मंझला वाला ला तो उकर बाद बुलाए में मलाइन गया रात के मस्त खाना वाना खाएँ मस्त गोट वोट होन ओकर बाद हमन सुतेन का भी हनिया कौन उठ उठी नुमन अब घर जा पुका कि मैं कहें देखो जी अबर दिन में आथो अबर अबर दिन में आते हैं तो मैं कहूँ बहुत दिन में आए हो जी साढ़ू खा गया हो ऐसे कहूँ तो मन हाँ ठीक है भैया ऐसे कि न खा के आइन तब एक जगह पर फोन करें देख जी हमारे साढ़ू मन आए भगत हो विराजपाली में विराजपाली 3 जन लड़का भगत मन संग मिले बगा उसका जहन एक जगह बैठे हैं सब कोई पर्ची में हमारे अंदर में छोटे से घर है सर इधर की बात तो वो में बैठे हैं और ज्ञान चर्चा चलीस गया कुछ नहीं अब पहले से मोर बजर उठे थे गाँव किस कारण से उठे थे आपसे गाँव वाले वो दे मुंडा नहीं हुईस मोर भाई बीतीस तब बोलो फोन करके भी नहीं बुलाए हैं कोई जगह क्या कारण था मुंडा नहीं हुए वो रूठे वो भी मन जानी सर खाबा नहीं हुए तेल ये रूढ़ीवादी बात है मोर बतो अब यहाँ चल रहे हूँ लाइन में अभी में ठीक हुए हूँ तो कर बाद हमन बैठे रहने चाहिए तो हमारे यहाँ हमारा लड़का है मोर से पहले से चीर रही है ये बताइए लड़ाई का मुख्य वजह क्या बना क्यों लोग आक्रोशित हुए और क्यों हमला किया आपके ऊपर। अब संत रामपाल की दास है करके जुड़े सर वो लोग कुछ नहीं है एक बात है क्या है कि सब जन उमन आयरिन है सब हमने के ग्रुप के अनगा तो आयरिन तो थी उमन आही तो उमन पहली तैयारी हो गई समझो कभी आए मारने का कारण क्या था आप क्या बताए मारने का कारण। मारने कारण वही साहब का है कि उमन आयरिन है बैठे रहे हमन ज्ञान चर्चा और वहाँ तो बुला के ले आने सर बाहर ले वो मतलब भर्ती वाला लगी और पूरा घर ला छेक दिन एक भावर बारी तक ला और चिल्लाइन की इन लोगों को इतना मारो। मारने वाले कौन थे जो आए थे आपके घर में। हमें पहला तो वही लोग चिल्लाए कि बुधेश्वर डरसेना और शिवचरण गंगाधर वो मन चिल्लाइन कि दौड़ दौड़ के मारो साल खींचो आ तो कर बाद हमारे महिला मन आऊ घूम दिन सर वो हमारे भगतमती मन क्यों मन बोलिन काबर मारू भैया हो सगा आए हैं तो आदमी मन है नहीं समझिन गाओ चालू कर दिन इसकी शिकायत आपने थाने में की है। हाँ सब लिखा है सर रखे हैं कैसे करबो क्या हुआ थानेदार के द्वारा क्या ना सर कुछ नहीं है अभी तक कल जाओ किस जाए के बाद इधर जाओ कुछ नहीं बोलेंगे किस और पहुँचाए तक नहीं हमन है जाहू शाम के किस हमन बिहनिया कुना है आज तो अगर हमन खींचिन अब अंदर रही सब बैठे रही अंदर में बैठे रही नहीं भगत जी मन तो मतलब खींच खींच के बाहर निकालें सर और बाहर रोड में ले आनी खींचत खींचत और वहाँ से चालू कर रहे हैं 2-3 जन मर गया है और मन मारिन और बात माहौल किन यहुल खेत हो यहाँ से तो माहौल खेत बो कि पर्चा पोंगाला न गई हमारे लड़का छोड़े पर्चा पोंगा यहाँ से जान इतना मार हूँ कि अब मारी मान मारी नहीं है मारी सब समझो मोरो अब भाई मोला मारता रही तो जिंदगी भर के लिए मर गयो है। मारने वाले आपके बेटे थे। हाँ वो भी था और वो है ना तो मारी सुकर बाद खींच तान इसको भी खेदो खींच ना तान हमारा वो मैं झटके पहले उतके चलो पहले निकले हों लेकिन अमन घर सर वो कर बाद हमारा कुछ नहीं बोले अब मतलब बहाल कर दी मन। एक बुजुर्ग हैं आप तस्वीर में देख सकते हैं और पिछले 10 दिनों से अपने घर से बाहर हैं। बाहर रहने का कारण ये है कि इनके स्वयं बेटे इनके जो बड़े पुत्र हैं इनको घर से बाहर निकाल दिए और मार पीट कर बाहर निकाले। इनकी पत्नी है जो उस दिन घटना हुआ इनसे ही मार खाई इनके बेटे के द्वारा मारा गया। हाँ का मारिन है गाँव रिश्तेदार कौन मनमारी से गांव के है बुजुर्ग मन साथ में रही से और यहाँ के
दो चार लड़का रहन है। तो साफ दिख रहा है कि पूरे ग्रामीण जो मिलके काफ़ी लोग मिलके अपद्रवी तत्व तो कहा जा सकता है, ये लोग मिलके एक साथ होकर इन लोगों को मारे हैं और इनके जो मेहमान आए थे उनके ऊपर भी हमला बोला है। लेकिन ना तो अभी तक थानादार के द्वारा उन अपद्रोही तत्वों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, न किसी प्रकार की किसी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और भी लोग हैं जो इसके इस मामले में शामिल थे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामले की सच्चाई। मैं भी जिस जगह में खड़ा हूँ ये वही जगह है जहाँ पे मारपीट का वारदात हुआ था। आप जगह को देखकर वीडियो में जो देखे होंगे वो समझ आ रहा होगा कि वही जगह है जहाँ पे मारपीट हुआ था। महिला है, इस घर की महिला है, उनसे बात करेंगे क्या हुआ था उस दिन, किस कारण से मारपीट हुआ था। उमन हा हमार हिंदू के समाज के देवी देवता ला उल्टा सीधा बोले और गाली दे कि बड़ा देव आँखी ला फोड़ देते और संत रामपाल के पूजा करो करके हमार ला तंग करत रही से। बाहर से भी बहुत सारा आए आदमी बाहर बाहर लेगा तहू मन हा कहा मैं नाम दीक्षा ले ले सतलोक जाऊँ कि केता उमन हा मर ही ना तो उमन हा धर जही। मारपीट का क्या वजह था, मुख्य वजह क्या था, क्यों मारा गया उनको? काफी बोले कि ये दे बड़ा देवला मत मानो, ये बड़ा देव आँखी ला फोड़ते कहा। नहीं तो मारना कोई समस्या का हल नहीं होता, वो बातों से भी हल हो सकता था। तो मन गंदा गंदा बोली तो मान नहीं खाई इमे बताओ बक के। तो क्या क्या कुछ बोला गया था जो मारे हैं? उल्टा सीधा बोली से छोकरी मन भी गाली दी से कोई मारे के शौक नहीं लागे जबरदस्ती मैं तोला मार दू है मारू का। नहीं नहीं मैं उल्टा जब तोला बोलूँ गंदा शब्द था तो ते मोला बोलबे कि मारबे हैं कोई नहीं ये है करे भैया जबरदस्ती कोई मारे के शौक नहीं रहा ये मन बहुत कुछ बोले देवी देवता ला गाली दे हमन मांस मछली खाता ना तो अहूला बोले तुमन नरक में जाऊ तुम लानी बानी बीमारी। नहीं तो गांव के जितने लोग आए थे कौन बुलाया था उनको मारने? हमन बुला रहे हैं हमन परेशान हो गए हमन उस दिन बिहाने कन भात साग परे रही से हमन खाए नहीं। तो मारने के लिए आप लोग ही बुलाए थे? मारे बनी ही ओमला समझा बुला रहे हैं अपन मन उल्टा सीधा बोली से ना तब मार खाई से उमन हा कोई ला मारे के शौक नहीं रहा कोई नहीं मारे जबरदस्ती। नहीं तो काफी ज्यादा मारे हैं मतलब वीडियो में दिख रहा है काफी ज्यादा मारपीट हुई है। नहीं मारे है वीडियो में साफ दिख रहा है कि काफी ज्यादा मारपीट हुई है भले एक रबड़ भीड़ रही से मारे नहीं है उतका। नहीं वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि मारपीट हुई है अच्छी खासी मारपीट हुई से इसने मतलब ये उल्टा सीधा बोली तो मार नहीं खाई का ले बता। और वो संत रामपाल भगवान है असली भगवान और हमन शंकर भगवान ला माना था। ये वही जगह है जिस जगह पे मारपीट हुआ था वीडियो पे दिख रहा होगा। घर की महिला है आरोप लगा रही है, इनका कहना है कि गलत गलत टिप्पणियां हुई थी। तो ये वीडियो है आपको दिख रहा है ये जगह यही जगह है जहाँ मारपीट का वारदात हुआ था। अरण गांव का जो वीडियो सामने आया था जिसमें लोग मार खाए थे वो मेहमान हैं जो पहुँचे हुए थे कहाँ गए थे और क्या कुछ हुआ था उस गाँव में? हम लोग क्या है जैसे कि हमारे साड़ू वहाँ रहते हैं अरण में, उसने कभी भी कुछ दिन आने करके बोले थे तो ये मेरा साला है और इसका वो क्या है वो मतलब बहनों है तो उसने बुलाए थे तो हम लोग बोले कि ठीक है जी काफ़ी समय मिलेगा तो आएंगे करके। तो इतवार के दिन जाने का हमने मतलब जाने का प्लान बनाया इतवार के दिन। वहाँ पर मारपीट हुई थी क्या कारण था, किस कारण से मारपीट हुई थी? वहाँ जो मारपीट हुआ ना जैसे कि हम लोग वहाँ रात ठहरे वहाँ रुके और जैसे सुबह हुआ तो उन लोग बोला कि खाना खा कर जाना तो ठीक है कर रुक गए थे और वैसे खाना उन्होंने खाए और अंदर में हम लोग बैठे थे ऐसे चर्चा कर रहे थे कि किसानी बाड़ी की और कुछ भगवान की चर्चा कर रहे थे। उसी बीच में गांव वाले लोग आए और आकर सामने को घेर दिया और बोला मारो साले एक दिन भाग न पाए इन लोग धर्म परिवर्तन कर रहा है साले सबको बिगाड़ रहा है ऐसे करके पूरा धावा बोल दिया। हम लोग एक नहीं सुना हमारा जो भगत मत जो है हमारा भाई जो है ना वहाँ सामने था कि बोला कि भाई हम लोग कोई मतलब हम यहाँ अपना बहनी के आए हैं हम कोई धर्म परिवर्तन करने आए हैं ऐसे करके हम लोग वहाँ कोई प्रचार वरचार कुछ नहीं किया था ऐसे मतलब कांड जो होता है तो उन लोग बोला ऐसे पकड़ पकड़ खींच करके निकालो मार अलग एक भूख मत छोड़ो ऐसे करके करके सबको निकाला और निकाल कर जैसे बकरी का बकरा सबको फका फक मार दिया ऐसे किया है। आप भी उस दिन शामिल थे? हाँ जी। क्या कुछ घटना हुआ था क्यों मारे आप लोगों को? हम लोग वहाँ अंदर में घर में बैठे थे उसी समय में गांव के कम लगभग 60-70 के करीब ग्रामीणों को बुला करके वो प्यारे लाल का बड़ा बेटा वहाँ पे आए और बुला करके उन लोगों को लाठी डंडा दिया
और जैसे ही उन लोग लाठी डंडा पकड़े गांव वाले, और उसी समय में सब जितने भी वो गांव के लोग थे उन लोगों ने बोला कि इन लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए आए हैं, इन लोगों को एक को भी मत छोड़ना, घेर लो और मारो, ऐसे करके बोला। और सब वहाँ पे जितने भी गांव वाले थे वो सब लगभग 8-10 लोग वहाँ मारने पीटने लगे। हम लोग अंदर में थे, उसको खींच करके बाहर निकाले और मारने लगे। आप भी वहाँ मौजूद थे उस दिन? हाँ। क्या कुछ हुआ था, क्यों आप लोग के ऊपर, आप लोग के ऊपर गांव वालों ने हमला बोला? ओकर बेटा ब्लाक नानी से सब गांव वाला माला तहाने गांव वाला मन दर्दा दे पेली से घर भीतरी और हमार भगत मन बैठे रही से तेला धर धर के निकाली से वो मारे शुरू करी। ये देखिए, ये अरंड का मामला है, इसमें प्यारे लाल ध्रुव जो है आवेदक जो है इसकी तरफ से इन्होंने जो है एक शिकायत आवेदन दिया था कि हमारे पास जो है मेरे लड़के और गांव के कुछ लोगों ने मारपीट किया है करके। इनकी शिकायत पर जांच के आधार पर जो है ना अपराध पंजीबद्ध किया है, और मामला चूंकि जो है 5 लोगों से ज़्यादा है तो बलवा का अपराध हमने इसमें पंजीबद्ध किया हुआ है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सर बताया गया कि आदिवासी हैं महिला जो है, और इसमें जो प्रार्थी है वो भी आदिवासी है, जिन्होंने विवाद किया उनके साथ वो भी आदिवासी हैं, एक ही समाज के लोग हैं और एक ही परिवार के लोग हैं।